नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते जिन्ना भी कैंडिडेटां दा एग्जाम पटवारी दा 8 तरीक नूं आ ओह इस वीडियो नूं ध्यान नाल देख रहे हैं ते जिन्ने भी क्वेश्चन इस विच कवर कराए हुए ने उन्हां नूं अपनी नोटबुक उत्ते जरूर राइट डाउन कर लैन, क्योंकि इस वीडियो विच एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कीते ने ते इन्हां क्वेश्चनां विचों काफ़ी क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम विच देखण नूं जरूर मिलणगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की गल करिए, मिट्टी की नमी किस द्वारा मापी जा सकती है। इत्थे मैं इंग्लिश ते पंजाबी दोवें लैंग्वेज विच तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहा, तां इक उपकरण हुंदा जिसनों आप टेंसियोमीटर के नाम ना जानते हैं, उस नाल की होंगे यह मीटर जो उपकरण होंगे मिट्टी में कितनी नमी है तो कितना सोखा है उस बारे आपको दस दिंदा है। तो सैकंड क्वेश्चन की गल करिए, मीह की स्थिति किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। तो एक मीह गेज नामक उपकरण होंगे जिस थ्रू आप कितनी बरसात हुई है, किन्ने बजे हुई है, इस तरह की पूरी डिटेल उस इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, हरी क्रांति सब तो पहला किस फसल रही सफल रही सी, मतलब कि कौन फसल में आपको हरी क्रांति के रूल्स देखने को मिले सन। तो कणक और चौल की खेती विच सब तो ज़्यादा इनक्रीजमेंट हुई सी, तां करके इसनूं हरी क्रांति का नाम दिता गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, आम तौर पर मिट्टी की एसिडिटी नूं ठीक करने लई डैश वरत्या जाता है, तो लाइम जिसनों आप चूना के नाम नाल जानते हैं, जे आप चूने नूं मिट्टी विच फैला दें तो वह मिट्टी विचली जिहड़ी एसिडिटी हुंदी है, एसिडिक पावर हुंदी है, उसनूं सोख लैंदा है। एंड दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं पोलिटिक कंप्यूटर जनरल साइंस ते इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, इसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैंने फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके तुसीं इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया, जो तुसीं भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में एक बार जरूर बाय कर लो। एंड हुण क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, कीड़े मकोड़े आम तौर पर डैश से पाए जाते हैं, मतलब कोटन से पाए जाते हैं, जो आप नरमा उगाने उससे अपन सूंड जे देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मल जहाँ क्वेश्चन का क्वेश्चन से तो नॉर्मल जहाँ इसका आंसर है। नंबर 6 की गल करिए, 2019 इंडिया रैंक इन लाइव स्टॉक पापूलेशन कि नंबर पर सी, मतलब पशुओं की आबादी में भारत का दर्जा की है। तो सब तो ज़्यादा पशु अपने भारत में पाए जाते हैं, तो करके नंबर 1 तो इसका रैंक अपनी रही सी 2019 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, एक पंजाब सरकार ने मुहिम चलाई सी धियां दी लोहड़ी स्कीम, तो इस तो उत्साहित हो के सरकार वालों किन्ने पैसे नवजम्मी बच्चियों नूं दिते जांदे सन। तो 5100 रुपये तो एक जॉनसन बेबी की किट होंदी है वह नाल दिती जांदी सी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, झुग्गी झोंपड़ियों वाले लई पंजाब सरकार द्वारा कि योजना की शुरू की गई थी, तो बसेरा स्कीम के तहत जिहड़े भी लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे सन उत्थे हुण उन्हां दा मालिकाना हक हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस एग्जाम विचों आए क्वेश्चनों नाल रिलेट करके इस वीडियो विच क्वेश्चन इनकलूड किए गए हैं, तो करके काफ़ी इंपोर्टेंट ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, इस करके इन्हां नूं ईजली नाल। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, जनवरी 2021 तो दिसंबर 2021 तक स्मार्ट पावर मीटर प्रोजैक्ट के तहत भारत पंजाब के राज विच किन्ने मीटर लगाए जाएंगे, तो 9600 मीटर लगाण की इन्होंने घोषणा की है। यह स्मार्ट मीटर PSPCL द्वारा पूरे पंजाब विच लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, नागरिका अते वकील द्वारा खपतकारां दी शिकायतां नूं ई भरन लई यानी ई भुगतान करने लई पंजाब सरकार ने किहड़ा पोर्टल लॉन्च किया सी, तां ई दाखिल नामक पोर्टल पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सी। यह पोर्टल पंजाब दे एक मंत्री भारत भूषण आसू द्वारा किया गया सी। हुण तुसीं मैनूं वीडियो विच कमेंट करके दस दो, भारत भूषण आसू जी ने उन्होंने किहड़ी मिनिस्ट्री संभाली हुई है, जे तुहानूं नहीं पता उपराई बटन ते एक वीडियो देख रहे हो जिस विच मैं सारी मिनिस्ट्रियां बारे डिटेल विच तुहानूं समझाया, उसनूं जाके एक बार विजिट जरूर कर लियो। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, विटीकल्चर डैश नाल संबंध है, तो विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन नाल संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, सिरका विच केड़ा एसिड मौजूद हुंदा है, तो सब नूं पता इसका नॉर्मल आंसर है एसिटिक अमल, जिसका रसायनिक नाम है CH3COOH है, ये भी एग्जाम विच काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में कितने मौजूद होंगी है, तो दिमाग में होंगी अपने पीयूष ग्रंथि। इस अलावा दिमाग में कुल कितनी ग्रंथियां होती हैं, तो याद रखो 3 ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ते पाइनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, जीव विज्ञान का पिता किसनों कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसनों कहा जाता, तो एरिस्टोटल जिन्हों आप पंजाबी हिंदी में अरस्तु कह दें, इन्हों फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, क्विनीन किस दरख्त की छाल तो आपको प्राप्त होती है, तो सिनकोना नामक एक पौधा होंगे जिस दी छाल तो आपको क्विनीन नामक दवाई प्राप्त होंगी है।
क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, कुनीन दवाई लिए केड़ी बीमारी वरतन योग है, मतलब कुनीन की दवाई है जी कि बीमारी लिए होंगी है, तो मलेरिया की बीमारी लिए इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, तो ओबवियस प्रोटीन बनाने लिए नाइट्रोजन की मात्रा होनी जरूरी है उस विच। ते क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, फोल्डर बनाने लिए शॉर्टकट की है, तो जे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, पीसीबी का पूरा नाम की है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का फुल नेम है। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, कंप्यूटर बंद करने लिए शॉर्टकट की किड़े ने, अल्ट प्लस 4 जो आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। इस तो अलावा नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, कंप्यूटर रीफ्रैश शॉर्टकट की किड़े ने, तो F5 ये तो सबन पता है। तो इस तरह के नॉर्मल जो क्वेश्चन भी एग्जाम बनते हैं, इन्हों ईजली ना लो, तो करके एक बार राइट डाउन जरूर करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, हेठ लिखे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो लाइनैक्स MS-DOS ये तिने ही जेडे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। इस तो अलावा आप क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, कंट्रोल प्लस जेड की वरतों किमें की जाती है अंडो करने लिए, कोई भी कम आप जे वापस लेके आना डिलीट कर दिता तो उस टाइम आप जो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं अपने PC से तो वह वापस आ जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, शिफ्ट प्लस डिलीट की वरतों परमानेंटली डिलीट करने लिए यूज़ किया जाता है, इसमें आप अंडो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, कंट्रोल प्लस C की वरतों कदों की जाती है, कॉपी करने लिए कंट्रोल प्लस C की वरतों की जाती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, सिलेक्ट आल की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस A नप के। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, कंट्रोल प्लस X की वरतों कदों की जाती है, कट करने लिए कोई भी काम वर्क आप PC पर कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस X नपांगे तो आप उस पोर्टल तो बाहर आ जावे। तो क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, बाइनरी नंबर की उदाहरण दो, यही एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखो बाइनरी नंबर होंगे ने 0 और 1 नूं बाइनरी नंबर कहा जाता है। दोस्तों यह कुछ प्रीवियस एग्जाम नाल रिलेट करके क्वेश्चन इस वीडियो में इनकलूड किए हैं। जे इस तरह की तुम होर वीडियोज़ देखना चाहते हो मेरे चैनल से, तो चैनल में सबसक्राइब करके कमेंट में जरूर लिख दो, यस सर होर प्रोवाइड करवाओ इस तरह के क्वेश्चन।